लखीमपुर खीरी जाने की जिद पर अड़ी प्रियंका, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया है। शांति भंग के आरोप में प्रियंका समेत 11 कांग्रेसी गिरफ्तार हुए हैं। प्रियंका गांधी को पीएसी गेस्ट हाउस को ही अस्थायी जेल बनाकर रखा गया है। प्रियंका गांधी पर ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है। हालांकि प्रियंका को मनाने की कोशिश जारी है। सीतापुर डीएम एसपी ने प्रियंका से 4 घंटे बात की थी, लेकिन कोई सफलता नहीं मिल पाई, जिसके बाद प्रियंका गांधी को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। और चलिए सीधा आपको सीतापुर लिए चलते हैं, वहां की अपडेट्स आपको बताते हैं, क्योंकि वहां पर जो सियासी पारा है वो चढ़ा हुआ है। मेरे सहयोगी नीतीश वहां से हमारे साथ बने हुए हैं। नीतीश, देखिए लाख मनाने की कोशिश की जा रही है, लाख समझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन प्रियंका गांधी अपनी जिद पर अड़ी हुई है और अब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या है वहां का माहौल, किस तरीके से सियासत जो है वहां पर देखने को मिल रही है? प्राची, अगर बात करें तो यहाँ पर इस जगह सीतापुर में आप देखिए कार्यकर्ता यहाँ पर बैठे हुए हैं और एबीपी गंगा बता रहा है दर्शकों को कि यहाँ पर कुछ ही देर में, कुछ क्षणों में ही प्रियंका गांधी वाड्रा का संबोधन होना है, फोनिक संबोधन, और ये सारे कार्यकर्ता उनके संबोधन को सुनने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। हमारे साथ महिला कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। सृष्टि, क्या है, कब तक होगा ये संबोधन और इस संबोधन का कितना इंतजार? इस संबोधन का हम सभी कांग्रेस कार्यकर्ता और देश भर में जितने हमारे कांग्रेस जन हैं और जो आम इंसान है, उन सबको इसका बहुत इंतज़ार है। बिकॉज हमारा प्रियंका दीदी, आदरणीय प्रियंका दीदी से कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया जब से वो यहाँ अंदर बंद है। अंदर वो जो भी वीडियो रिलीज़ कर पा रही हैं खुद से, बस हमारा कांटेक्ट उतना ही लिमिटेड है, क्योंकि हमारी लीगल टीम तक को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा। सो वी हैव टू सी व्हाट शी हैज़ टू स्पीक अप। तो कितने देर में, अब तक क्या जानकारी आई है कार्यकर्ताओं के पास? आप लोग भी इंतज़ार में हैं कि सुनेंगी क्या, अब तक क्या है? सर देखिए, ऑल वी कैन डू इज़ वेट। हम बस इतना चाहते हैं कि वो अभी चीज़ों को समझ रही हैं, कैसे क्या चीज़ें हैं और किस पे क्या बोलना है। सो लेट जस्ट सी, हमें इंतज़ार ही कर सकते हैं। उसके अलावा हमें अंदर से तो कोई नोटिस आ नहीं रहा, क्योंकि सरकार कुछ बता नहीं रही है। प्राची, हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे, आप देखिए ये कार्यकर्ता और जो फ़ोन लिए हुए कार्यकर्ता आपको सामने दिख रहे हैं, वो फ़ोन कर रहे हैं अंदर ताकि प्रियंका गांधी वाड्रा से बातचीत हो सके। और ये कार्यकर्ता, सभी कार्यकर्ता एक जगह बुला लिए गए हैं। पूरे दिन की अगर मैं बात करूं तो सुबह थोड़ी देर के लिए जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं वो थोड़ी देर के लिए कहीं ना कहीं अपना आपा खो रहे थे, फिर उसके बाद फिर एक साथ सब बैठ गए, फिर सबको समझाया बुझाया गया। फिर अगर उसके बाद बात करें तो शाम का वक्त आया, शाम के वक्त आने के बाद जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने कैंडल मार्च निकाला और दिन और शाम, कहे कि सुबह और शाम के बीच में जो अधिकारी थे वो प्रियंका गांधी वाड्रा से लगातार बातचीत करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन बातचीत लगातार विफल हो रही थी। प्रियंका गांधी वाड्रा के बारे में ये बातें हैं, ये हैं सामने कि वो लगातार जिद पर अड़ी हुई हैं। उनका सिर्फ एक चीज़ ये कहना है कि मुझे लखीमपुर खीरी जाने दिया जाए, इसके अलावा कोई भी समझौता नहीं हो सकता। तो तीन मांगे ये हैं कि पहली मांग कि प्रियंका वाड्रा को लखीमपुर खीरी जाने दिया जाए, दूसरा उनकी रिहाई हो, और तीसरा जो दोषी हैं उनको सजा मिले। और सबसे बड़ा सवाल यहाँ के लोग यही उठा रहे हैं कि आखिर जो आरोपी है उसकी गिरफ्तारी अभी तक क्यों नहीं हुई, आखिर क्या वजह है, कौन बचा रहा है, क्यों बचा रहा है? प्रियंका जिद ठान कर निकली, उसी जिद पर अभी अड़ी हुई है नीतीश, और लगातार यही अपनी मांग रख रही है कि उन्हें लखीमपुर जाना है, और समझाने की तमाम कोशिशें फिलहाल विफल साबित हो रही हैं। शुक्रिया नीतीश आपका तमाम जानकारी के लिए।